महोदय से बस एक ये गांव की छोटी सी झलक प्रतिभा का दिखाना चाहते थे। आप केवल इस ऊर्जांचल की धरती में एक से बढ़कर एक प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को मिलेगी। मैं श्रीमती रोबी प्रसाद विधायिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब समय का भाव संभाल लीजिए, क्योंकि समय का भाव है। ये तो छोटी सी केवल झलक दिखाना चाहते थे इन गांव के। आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप ही का कहना है, आपकी सोच है कि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए आप विदेश से देश प्रेम से ओतप्रोत होकर आप गांव में प्रतिभा और गांव में अपने पूरे शक्ति को। और हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री स्वावलंबन भारत के श्री अजय कुमार जी, हमारी सहयोगिनी जिला आशा समन्वयक आदरणीय पूर्व विधायक रूपी प्रसाद जी, यहाँ के समन्वयक राधेश्याम पांडे जी, इस ग्राम आई एम सॉरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे दुख है कि मैं आप सबसे अंग्रेजी में ही संवाद करूँगा। कम फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से आया हूँ, बिलोंग करता हूँ। वनकम, सबको मेरा नमस्कार। आपने तमिल में सबको प्रणाम लिया है, नमस्कार किया है। New to our village, because I want to find the solution to our economic problem. मैं गांव में जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने देश की आर्थिक समस्या का समाधान खोजना चाह रहा हूं। What is our primary problem? I see all these young men, young women. Primary problem is employment. Those guys. हम यहाँ सभी उपस्थित युवक युवतियाँ समझ रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मुख्य समस्या है रोजगार की। Now, to understand this, let's see what we sell from here and then what we buy here. इसको समझने के लिए हमें जो आर्थिक गतिविधि है कि हम यहाँ से खरीदते कितना है, क्या खरीदते हैं और बेचते कितना और क्या है। What do we sell from here? यहाँ से हम क्या बेचते हैं, बोल सकते हैं आप? क्या बेचते हैं बताओ। One of the ladies क्या बेचते हैं? कोई युवती बोले आप क्या बेचते हैं यहाँ से? धान, धान, गेहूँ, चावल, गेहूँ, सब्जी, फल फूल, क्या बेचते हैं? कोई राइस, राइस, चावल, सब्जी, दाल, सब्जी, महुआ, महुआ। व्हाट डू वी बाय, क्या खरीदते हैं हम? ड्रेस, अवर ड्रेस, अवर स्लीपर, अवर फोन, अवर मोटरसाइकिल, अवर ट्रैक्टर, एवरीथिंग वी बाय।
हम बेचते क्या है, अनाज बेचते हैं, बहुत होता है तो पेड़ पौधे से निकले वाले उत्पाद बेचते हैं। अब खरीदते क्या है, कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, स्लीपर खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, चश्मा खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। Do we make any of them here? क्या हम इसको यहाँ बना सकते हैं? And what is the price? What is the price we get for what we sell? हम जो चीज बेचते हैं उनसे कितने कीमत पाते हैं? यानी जैसे आप गेहूँ बेच रहे हैं तो सरकार खरीदेगी तो 20 रुपया और कहीं बाजार में बेचते हैं 14-15 रुपये किलो, प्राइस पर किलो 10 रुपया 20 रुपये 20 रुपीज पर किलोग्राम, पर किलोग्राम आप 10 से 20 रुपये बेचते हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ फोन पर किलोग्राम? ये जो मोबाइल है इसका वजन कितना होगा? 250 ग्राम। ये मोबाइल है 20,000 रुपये का, कितना किलो हो गया? 80,000 रुपये किलो। 1 लाख 60,000 रुपीज पर किलोग्राम, 1 लाख पर किलोग्राम। 60,000 से 1 लाख रुपए तक इस मोबाइल की कीमत पर किलो के हिसाब से है। What is the price of this shirt per kilogram? इस शर्ट की कीमत कितनी है पर किलोग्राम में? क्योंकि एक शर्ट का वजन 150-200 ग्राम 250 ग्राम से अधिक नहीं होगा। So everything we sell here is very cheap in kilogram. Everything we buy is very expensive per kilogram. जो कुछ भी हम बेचते हैं उसके पर ग्राम मतलब प्रति किलोग्राम की कीमत न्यूनतम है और जो खरीदते हैं उसकी अधिकतम है। That is the cause of our poverty here. यही मूल बात है, यही मूल समस्या है जिसके कारण हमारे यहाँ गरीबी है कि हम जो खरीद बेचते हैं वो सस्ता बेचते हैं और जो खरीदते हैं वो महंगी चीज खरीदते हैं। हमारा जो कुछ पैसा है वो बाहर चला जा रहा है, हमारे गांव में नहीं रुक रहा है। So to come out of poverty, we have to understand the idea of value addition. इस गरीबी के जाल से बचने के लिए, इस गरीबी के भंवर जाल से निकलने के लिए हमको ऐसी आइडिया चाहिए जैसे हम जो गेहूं है उस पे वैल्यू एडिशन करके कैसे उसकी कीमत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन मीन नॉट जस्ट प्राइमरी मटेरियल लाइक राइस और मिल्क बट ऑल्सो मोर एडवांस मटेरियल लाइक क्लोथ्स, then more advanced material like motorcycle, then more advanced material like phone. ये जो value addition है क्या है? जो raw material है, कच्चा सामान है, वो हमारे यहाँ से जाता है, कहीं से लोहा निकलता है, कहीं से अनाज निकलता है, कहीं से काटन निकलता है, और इसका वैल्यू एडिशन करके क्या हुआ? कपड़ा हो गया। कपड़े का वैल्यू एडिशन लेकर क्या किया? शर्ट अच्छी सिलवा दिया आपने। लोहे का वैल्यू एडिशन करके क्या किया? कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया आपने। तो ये हमारा कई स्टेप का वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन मतलब मूल्य संवर्धन। चीज वही है लेकिन जैसे गुड़ है, केवल गुड़ गन्ना है तो गन्ने से आपको कीमत नहीं मिलेगी, गन्ने का गुड़ बनाएंगे तो और कीमत मिलेगी और उसकी कोई मिठाई बना देंगे तो उसकी अधिक कीमत मिलेगी। ये वैल्यू एडिशन। बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू एडिशन हियर, वी बाय एक्सपेंसिव थिंग्स, वी सेल चीप आइटम टू बैलेंस, व्हाट डू वी डू? ये वैल्यू एडिशन ना होने के कारण से जो कच्चा सामान हम सीधे बेच देते हैं तो सस्ते में बेचते हैं और उसके बदले में हम जो खरीदते हैं वो बहुत अधिक महंगे में खरीदते हैं, इसलिए हमारी ये समस्या बनी हुई है। टू बैलेंस वी सेंड अवर चिल्ड्रन टू बिग सिटी टू वर्क प्रवासी मजदूर। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो आवक कम है और जाने वाली रकम ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं, कमा के लाओ और ये जो घाटा हो रहा है उस घाटे को पूरा करो। और वी टेक लोन एट वेरी हाई इंटरेस्ट। अथवा उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? जैसे गाड़ी खरीदनी होती है तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट पर।
और वी होप गवर्नमेंट कैन गिव सम जॉब। और हमारी एक अपेक्षा मात्र रह जाती है कि हम दूसरे के मुकाबेक्षी हो जाते हैं, दूसरी तरफ देखते रहते हैं और खास करके सरकार की तरफ कि सरकार हमको नौकरी दे दे जिससे बिना लोन लिए हुए बाइक हम खरीद सके, अपनी सुविधाओं को हम मांगे खरीद सके। बट दोस आर नॉट द रियल सॉल्यूशन। आपका कहना है कि लेकिन यह वास्तविक समाधान नहीं है कि किसी की तरफ हम देखें कि वो पैसा दे दे तभी हम गाड़ी खरीदेंगे। द सॉल्यूशन इज मोर वैल्यू एडिशन हियर बाय आवर ओन यूथ, बाय आवर ओन वर्कर्स हियर, बाय आवर ओन एंटरप्रेन्योर्स हियर। इसका समाधान जो है वो ये है कि जो हम कच्चा सामान बेच देते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करें, हमारे जो यूथ है युवा है वो बाहर ना जाएं, उन यूथ के अंदर जो इनोवेटिव आए, पूरा विश्वास है कि आप ब्रेन पावर का इस्तेमाल करेंगे तो डेवलपमेंट की सीढ़ियों को आप चढ़ेंगे, विकास की सीढ़ियों को चढ़ेंगे। एंड वी विल टेक दिस रेजोल्यूशन टुडे टू थिंक अबाउट डेवलपमेंट थ्रू आवर ओन।